खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इस समय की बड़ी खबर आपको दे दें, दिल्ली पुलिस ने जेएनयू हिंसा की जांच शुरू कर दी है। एबीपी न्यूज के पास उस एफआईआर की कॉपी मौजूद है जिस पर पुलिस ने जांच शुरू की है। एफआईआर के मुताबिक कल 4:15 बजे हिंसा की शुरुआत हुई। पेरियार हॉस्टल में नकाबपोश लोगों ने हमला किया। साबरमती हॉस्टल में हिंसा की खबर पुलिस को 7:00 बजे मिली। पुलिस एफआईआर के मुताबिक मास्क यानी नकाब वाले करीब 50 लोग थे जिनके हाथों में रॉड्स थी। पुलिस ने दंगा, हिंसा करने और सार्वजनिक संपत्तियों के नुकसान का मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ज्वाइंट सीपी शालिनी सिंह की अध्यक्षता में ये सभी टीमें काम कर रही है। सीसीटीवी फुटेज से जो भी फुटेज मिली है उसको जुटाया जा रहा है। उन लोगों को चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने कल नकाब लगाकर वहां पर हिंसा की हमला बोला छात्रों के ऊपर। और ये एक्सक्लूसिव कॉपी एफआईआर की इस समय एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी पहली जो हिंसा हुई वो 4:15 बजे हुई इस एफआईआर के हिसाब से और दूसरा जो हॉस्टल है उसमें 7 बजे ये हिंसा हुई। और पुलिस का ये कहना है क्योंकि पुलिस के ऊपर लगातार ये आरोप लग रहा है कि पुलिस की कार्रवाई में देर हुई, पुलिस अंदर नहीं गई। इसके ऊपर पुलिस की सफाई है कि जैसे ही हमारे को कॉल आई हम फौरन जांच करने के लिए वहां पर हालात को काबू पाने के लिए पहुंचे। तो पुलिस जांच शुरू हो गई है और इस वक्त दिल्ली में इंडिया गेट पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी खबर इस समय की, मशाल जुलूस लेकर ये लोग यहां पहुंचे हैं। हमारे सहयोगी रविकांत इंडिया गेट पर ही मौजूद हैं। सीधे मैं उनका रुख कर लेती हूं। रविकांत, ये तो बहुत बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं इस समय। बिल्कुल, एक मशाल जुलूस लेकर के इंडिया गेट यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और आप जैसा देख सकती हैं चेहरे पर इन्होंने बीजेपी का उल्टा झंडा लगा रखा है मुंह पर। क्या कह रहे हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो है ये युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है, ये देश की आवाज को दबाना चाहती है क्योंकि इनकी शायद रविकांत से हमारा संपर्क टूट गया। ये तस्वीरें आप देखिए, इस समय कांग्रेस जो यूथ कांग्रेस है उसके कार्यकर्ता ये मार्च निकाल रहे हैं। कल जिस तरीके से जेएनयू में नकाबपोश लोगों ने छात्रों के ऊपर हमला बोला उसके विरोध में ये पूरा मार्च निकाला जा रहा है और राजनीति भी खूब गर्म है इस पूरे मामले पर। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी पूरी तरह से नाकामयाब है सरकार चलाने में और उधर लेफ्ट पार्टी भी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी का साफ साफ कहना है कि ये छात्रों की आपसी मामला है, छात्रों की हिंसा है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। इस समय आप ये देख सकते हैं एक बड़ी संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता इंडिया गेट पर मार्च निकाल रहे हैं जेएनयू हिंसा को लेकर। नकाब इन लोगों ने पहना हुआ है, मास्क लगाया हुआ है जिसमें बीजेपी का उल्टा झंडा देखने को मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में इस समय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के खिलाफ जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हाथों में मशालें ली हुई हैं, झंडे भी लिए हुए हैं और लगातार नारेबाजी हो रही है जिस तरीके से जेएनयू में हिंसा भड़की।